ठीक है, अगली हेडिंग है हमारी ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में लेट से हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल तुमने किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर परचेज करे साल 2015 में, साल 2015 में, साल 2015 में तुमने जो है ना वो शेयर परचेस करे ₹100 के, ठीक है। 2016 में ये शेयर 10% महंगा हो गया, तो कितने का बन गया? 110 का। 2017 में ये शेयर 90% महंगा हो गया, कितने का हो गया? कितने का होगा? ₹209 का हो जाएगा। जब 100 वाली चीज 10% महंगी होगी तो तुम 100 का 10% लोगे, ₹10 बनेगा, चीज 110 की हो गई। जब 110 वाली चीज 90% महंगी हो जाएगी तो तुम 110 का 90% लोगे, 110 का 90% 99 आएगा, तो तुम 209 पर चले जाओगे, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि पहले साल शेयर की वैल्यू 10% से बढ़ी, दूसरे साल 90% से बढ़ी, ऑन एन एवरेज कितने से बढ़ रही है वैल्यू? कितने हाँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज वैल्यू जो है वो 50% पर ईयर बढ़ी है? हाँ, हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने का मतलब ये है कि हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। इधर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं होगी, क्योंकि अगर तुम बोलते हो कि पहले साल 10% पे 90% इंक्रीज हुई है चीज, और टोटल 50% ऑन एन एवरेज इंक्रीज हुई है, तो 100 अगर पहले साल 50% इंक्रीज हो जाए तो वो 150 हो जाएगा, फिर 150 अगर 50% इंक्रीज हो जाए तो वो तो 225 चला जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते, जब आपके पास परसेंटेज इंक्रीज हो ना तो आप अगेन अर्थमेटिक मीन यूज नहीं करते, बल्कि आप ज्योमेट्रिक मीन यूज करते हैं, आप ज्योमेट्रिक मीन की टेक्निक अप्लाई करते हैं, ठीक है। हो गया? हाँ हाँ कर रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। अच्छा, अब देखो, अगर आपके पास ज्योमेट्रिक मीन है, अगर आपको एवरेज कैलकुलेट करना है कि हर साल कितना ग्रोथ आया, तो ज्योमेट्रिक मीन में आप दो फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। एक फॉर्मूला आप कर सकते हो, आप उसमें लिखोगे अंडर रूट ऑफ एन लेटेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस ईयर वैल्यू या वैल्यू एट स्टार्ट, -1, और फिर परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा, एन क्या होगा सर? जितने साल गुजरे,
2015 से 16 कितने साल हुए? एक। और 16 से 17 कितने साल हुए? एक और, यानी कि टोटल 2 साल हुए। तो आप इनकी जगह लिख दो 2। लेटेस्ट वैल्यू 209। वैल्यू एट स्टार्ट, बिल्कुल शुरू में जो वैल्यू थी 100 -1। कैलकुलेट करो जरा कितना होता है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भी मल्टीप्लाई करना। 209 डिवाइडेड बाई 100 अंडर रूट में और उसके बाद -1। सही है, बताओ क्या आ रहा है? 44 पॉइंट, बताओ तो। 100 से मल्टीप्लाई करो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, 44.56%। देखो हमारा आंसर जो आ रहा है ना वो 44.56% आ रहा है, 44.56% आ रहा है ना। दिखाओ, 209 डिवाइडेड बाय 100, ये 2.09 आया। अंडर रूट ऑफ 2.09 -1 मल्टीप्लाइड बाय 100, 44.57% आ रहा है। -1 अंडर रूट में नहीं है, अलग है, 44.57% आ रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपको ये बता रहा है कि हर साल जो ग्रोथ है ना वो 44.57% है। कैसे? देखो आपने 2015 में 100 रुपए की चीज ली थी, अगर मैं पहले साल 100 को 44.57% से इंक्रीज करता हूं तो इसमें 44.57 ऐड करो कितना बनेगा, 144.57। फिर आप 144.57 को इसका 44.57% लो कितना बनेगा, 64.43। ऐड करो दोनों को, 209 आ रहा। आपका ज्योमेट्रिक मीन से एक एवरेज 44.57% आ रहा है ना, 100 रुपए का शेयर लिया था, 44.57% बोल रहे हैं, ऑन एन एवरेज आपके शेयर की प्राइस 44.57% बढ़ रही थी, तो पहले साल 100 का 44.57% इसमें ऐड किया, फिर इसी का 44.57% वापस से लिया और उसको भी ऐड किया। तो आप देखो आपका आंसर उससे मैच कर रहा है जो आपके पास ऊपर वैल्यू आ रही थी। तो ज्योमेट्रिक मीन के केस में आप लेटेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू एट स्टार्ट अंडर रूट एन में, एन जिसमें नंबर ऑफ इयर्स पास्ट होंगे, -1, इससे कैलकुलेशन करते हो। एक और तरीका इसका बता देता हूं, एक और तरीका बता देता हूं, फिर सारे सवाल जो है ना इसको वीडियो को पॉज कर मैं आपसे आपसे पूछता हूं। एक और तरीका स्क्रीन पर देख लो फिर कॉपी कर लेना। देखो पहले साल जो वैल्यू है वो कितने परसेंट बढ़ी थी, 10%। अगर वैल्यू 10% से बढ़ी है ना तो उसको आप जो है ना वो 1+% में कन्वर्ट कर दो। 1+% का मतलब ये है 1+10%, 1+10% का मतलब क्या हुआ, 1.1। दूसरे साल वैल्यू कितने से बढ़ी थी, 90% से, 90% को आप 1+90% लिख दो। 1+90% कितना होता है, 1.9।
नाइन। और दूसरे तरीके से के हिसाब से आप क्या करो, आप लिख दो अंडर रूट एन एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री। एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री क्या है, ये जो 1.1 और 1.9 आया ना, ये चीज़ है। यानी कि इसको आप लिखो अंडर रूट ऑफ टू। टू क्यों, क्योंकि हमारी एग्जाम्पल में 15 से 16 और 17, 16 से 17 दो साल है। और ब्रेक नीचे लिख दो 1.1 इंटू 1.9। अब ज़रा, और फिर इसमें से 1 माइनस कर कर परसेंटेज में कन्वर्ट करो, देखो इससे भी आंसर क्या सेम आता। 1.1 इंटू 1.9 अंडर रूट में, अब फिर माइनस वन कर कर परसेंट सेम आ रहा है। ये भी तरीका है, ठीक है। अब आप लोग सवाल पूछो।